सहनावतु सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेभ्यो नमो नमः। व्याकरणाभ्यासस्य कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। मित्रों, प्रत्याहार सूत्रों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, यह उसका तृतीय भाग है। अब तक हमने प्रत्याहार सूत्र की भूमिका के रूप में काफ़ी विचार कर लिया और यह समझ लिया कि प्रत्याहार के निर्माता आचार्य पाणिनि हैं, आचार्य शिव नहीं हैं। दूसरा, प्रत्याहार बनाने का प्रयोजन भी समझ लिया और प्रत्याहार बनाने की विधि भी समझ ली। अब हम इस पाठ में प्रत्याहार सूत्रों को पढ़ना आरंभ करते हैं। स्क्रीन पर देखते जाइएगा आप। पहला प्रत्याहार सूत्र है आई उण। इसका अर्थ आपको सामने दिख रहा होगा। हम अ ई उ इत्येतान वर्णान उपदिश्यान्ते णकारम इतम करोति पाणिनिः आचार्यः प्रत्याहारार्थम्। स णकारः एकेन आदिना अकारेण गृह्यते। उरण रपरः, यह इसका संस्कृत अर्थ हुआ है। हिंदी में बताते हैं, आचार्य पाणिनि ने अ ई उण इस सूत्र में अ ई उ इत्येतान इन तीन वर्णों को उपदेश करके माने बता करके और अंते अंत में णकारम इतम करोति माने इत संज्ञक णकार को रख दिया है, अर्थात रखते हैं। कौन रखते हैं? आचार्य पाणिनि। ये इसका हिंदी का अर्थ हुआ। किसके लिए रखते हैं? कहते हैं प्रत्याहारार्थम। प्रत्याहार माने प्रत्याहार निर्माण करने के लिए, प्रत्याहार को उद्देश्य बना करके इत संज्ञक णकार को अंत में रख दिया। और कहते हैं सह अणकार है, जो ये अणकार है यह क्या है? एकेन आदिना अकारेण गृह्यते। जो आदि अकार है अ अ ई उ, तो अ के साथ में इसका ग्रहण होता है, अर्थात यह अणकार आदि अकार के साथ में मिलकर के एक प्रत्याहार बनाता है। वह प्रत्याहार क्या बनेगा? अण अण अण। और उसका पाणिनि ने प्रयोग कहाँ किया? अष्टाध्यायी में एक सूत्र दिखा दिया। वह सूत्र दिखा रहे हैं उरण रपरह। तो इसके अंदर जो अण दिख रहा है उसका विग्रह करेंगे सूत्र का, तो ऐसा होगा उह और अण रपरह। तो जो अण है वह क्या है? यही प्रत्याहार है। उस सूत्र में उरण रपरह में जो अण कहा है उसका अर्थ क्या हुआ? उससे हमको क्या बोध होगा? हमको बोध होगा अ ई उ। यही हमने गत वीडियो में पढ़ा था कि प्रत्याहार आदि वर्ण का और
अपने मध्य में पड़े हुए वर्णों का ग्रहण कराता है। आदिरंतेन सहिता, आपको याद होगा। तो इस प्रकार से यह एक सूत्र दिखाया। अभी ऐसे कई जगह आचार्य पाणिनि ने इस प्रत्याहार का प्रयोग किया है। तो यह आपका प्रथम सूत्र हुआ, समझ में आ गया होगा सरल ढंग से। देखिएगा बहुत ही सरल है, ये हमने पहले ही सीख लिया कि आदिरंतेन सहेता माने अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर के आदि वाला वर्ण क्या है, प्रत्याहार बनाता है, और उस प्रत्याहार में वो आदि वर्ण का ग्रहण होता है और मध्य में पड़े हुए जो वर्ण हैं उनका ग्रहण होता है, इत संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। इस संक्षिप्तता के लिए आचार्य पाणिनि ने यह प्रत्याहार बनाया है। अब आइएगा आगे दूसरा प्रत्याहार सूत्र। रि इत्येतौ वर्णा उपदिश्य पूर्वांश चान्ते ककारमितं करोति प्रत्याहारार्थम्। तो क्या है, आचार्य पाणिनि ने इस सूत्र में भी रि और लि इन दो वर्णों को पढ़कर की वर्णौ उपदिश्य, जब संधि विच्छेद कर देंगे तो वर्णौ उपदिश्य, इन दो वर्णों का उपदेश करके अंते, अंते क्या है, अंत में ककारम इतम करोति, अंत में इत संज्ञक ककार को लगा दिया है। किसके लिए, प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार बनाने के लिए उन्होंने इस ककार को अंत में लगा दिया है। तस्य ग्रहणम भवति त्रिभिः अ ई उ इत्येतैः, और उस का जो का है उसका ग्रहण किसके साथ में होता है, तीन वर्णों के साथ में, वो दिखा दिया। तो जो गत सूत्र अभी गया है उसके आकार के साथ में इसका ककार का ग्रहण होता है, माने क से प्रत्याहार बनता है, दूसरा ईस के साथ में बनता है, तीसरा उ के साथ में बनता है। तो ये तीन का ग्रहण होता है, तीन प्रत्याहार इस सूत्र के द्वारा बनाए जाते हैं आगे वाले सूत्र के साथ में। कई कोई सूत्र अकेला बना देता है और कभी कई सूत्र मिलकर के प्रत्याहार बनाते हैं, वो हमको देखना है आचार्य पाणिनि ने किस प्रकार से प्रयोग किया है। तो दिखाते हैं पहला प्रत्याहार अक बना, तो अक का पाणिनि आचार्य ने कहां प्रयोग किया है, सूत्र दिखाते हैं, देखिएगा। अकह सवर्णे दीर्घ, यह सूत्र है छठवें अध्याय के प्रथम पाद में, अकह सवर्णे दीर्घ, तो यहां अकह, तो यहां पर अक प्रत्याहार है, तो यहां पर हमें को क्या समझना होगा, अक माने अ ई उ रि लि, ये पांच वर्णों को हमें समझना होगा। कोई व्यक्ति अक बोलता है पाणिनीय शास्त्र में, अथवा आचार्य पाणिनि किसी सूत्र में अक कहते हैं, तो हमको बोध होगा इन पांच वर्णों का। और इक दूसरा प्रत्यार बनाया, इक, इक का प्रयोग आचार्य पाणिनि ने कहां किया है, इको गुण वृद्धि वहां पर किया है, ये आरंभ में ही है अष्टाध्यायी के। तो यहां पर इक, तो इक कहां है, तो इक का अर्थ हमको क्या मालूम होगा, ई उ रि लि, ये चार वर्णों का हमको बोध होगा वहां जो इक पढ़ने से। और कहते हैं उक, उक का प्रयोग कहां किया है, उगितश्च, यह भी एक सूत्र है चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का। तो यहां पर उग दिख रहा है, यह संधि होकर के ग हो गया है, वास्तव में यह उक है, तो उक का अर्थ हुआ उ रि लि, ये तीन वर्ण हुए, तो यहां पर प्रयोग किया है। इस प्रकार से इन्हीं तीन प्रत्याहारों को आचार्य ने अन्य सूत्रों में भी प्रयोग किया है, परंतु हम सब नहीं दिखा सकते, यहां जटिल हो जाएगा।
हमने एक उदाहरण के लिए यहां पर देख लिया। अब आगे का प्रत्याहार सूत्र पढ़ते हैं। ए ओम यह प्रत्याहार सूत्र है। अब कहते हैं ए ओ इत्येतौ वर्णावुपदिश्य अन्ते नकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। कहते हैं कि आचार्य पाणिनि जी इस ए ओंग में ए और ओ को पढ़ के अंत में इत संज्ञक गकार को पढ़ देते हैं। किसके लिए? प्रत्याहार के बनाने के लिए। और वो प्रत्याहार पाणिनि का कितना है? तस्य ग्रहणम भवत्येकेन एंगि पर रूपम इत्येकारेण। कहते हैं और उस का जो ग्रहण होता है, उस प्रत्याहार जो न है उससे क्या ग्रहण होता है जी? एक प्रत्याहार बनता केवल। इस न के साथ में केवल एक प्रत्याहार बनता है, वह भी एन। और उसका प्रयोग दिखा दिया एंगी पर रूपम। इस सूत्र में एंगी यह पड़ा हुआ है तो एंग है, इसका वहां पर विभक्तंत प्रयोग दिखाया गया है तो यहां पर इसका प्रयोग हमने देख लिया। आइए अब आई औच आई औ इत्येतौ वर्णा उपदिश्य पूर्वांश चान्ते चकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम् तस्य ग्रहणं भवति चतुर्भिः अ इ ए ऐ इत्येतैः। कहते हैं आचार्य पाणिनि ने इस प्रत्याहार सूत्र में ऐ और औ को पढ़ करके और पूर्व वाले इसमें भी वर्ण आएंगे, जो पूर्व सूत्र के भी आएंगे इसमें, उनको पढ़ करके अंत अंत में क्या लगा दिया? इत संज्ञक चकार। इसलिए प्रत्याहार निर्माण के लिए। और उसका ग्रहण होता है चार वर्णों के साथ में। कौन कौन से देखिएगा? अच, दूसरा इच, तीसरा एच और चौथा आईच। ये चार वर्ण के साथ में चकार से प्रत्याहार बनते हैं। अच, अच कहा तो अच का प्रयोग कहां किया पाणिनि जी ने? देखिए अचोन्त्यादिट्टी, तो वहां पर जो अचोन्त्यादिट्टी अच दिख रहा है उसका अर्थ क्या होगा? अ ई उ रि लि ए ओ आई औ, ये नौ वर्णों का बोध होगा। देखिएगा यही आश्चर्य है, दो वर्णों के उच्चारण से नौ वर्णों का बोध हो गया, अर्थात सभी स्वर आ गए इसके अंदर। तो यहां प्रयोग दिखा दिया। आगे कहते हैं इच, इच में एक कम कर देते हैं आगे का तो आठ वर्णों का बोध होता है। उसका प्रयोग कहां दिखाया है? इच एकाचोम प्रत्ययवच्च, तो यहां पर इच ये पड़ा हुआ है तो यहां पर कितने वर्णों का बोध होगा हमको? इच कहने से आठ वर्णों का, ई उ रि लि ए ओ आई औ, इन आठ वर्णों का ग्रहण होगा। आगे दिखाते हैं ए के साथ में बनाते हैं तो एच, एच में कितने आएंगे? ए ओ आई औ, ये चार वर्ण आए। उसका प्रयोग आचार्य पाणिनि ने कहां किया है? देखिएगा एचो यवाया वह, तो यहां पर एच जो पढ़ा है उससे हमको मालूम होगा ए ओ आई औ, ये चार वर्णों का हमको बोध होगा। और ऐच का प्रयोग कहां किया है? कहते हैं वृद्धि रादैच, तो यहां पर वृद्धि ही और आदैच तो ऐच है अंत में, यदि हम इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो ऐच है, तो ऐच से हमको वहां पर क्या बोध होगा? वृद्धिरादैच में आई औ, इन दो वर्णों का बोध होगा। अब आगे के बचे हुए सूत्रों को हम
आगामी पाठ में पढ़ेंगे। उसकी आप प्रतीक्षा कीजिए और अच्छी प्रकार से जो आज प्रत्याहार सूत्रों को मैंने पढ़ाया है उनको अच्छी प्रकार से समझिए, सुनिए, देखिए अच्छी प्रकार से और याद रखिएगा, तो आपको आगे के प्रत्याहार सरलता से समझ में आ जाएंगे। और ये प्रत्याहार यदि आपको ठीक समझ में अभी आ गए तो आगे जो मैं व्याकरण संबंधी बातें बताऊंगा, संधि, समास और भी बहुत सी चीजें हैं, शब्द का निर्माण करना, शब्द रूपों का निर्माण करना, धातु रूपों का निर्माण करना, ये सब बातें जो आगे आने वाली हैं उनके लिए प्रत्याहार को अच्छी प्रकार से समझना परम आवश्यक है। इसलिए आप इन प्रत्याहारों को बार बार सुनिएगा, इनकी जो वीडियो है उनको बार बार देखिएगा। जब तक आपको पूरा याद नहीं हो जाता तब तक इनको मत छोड़िएगा, बार बार देखिएगा। तो आज यही विराम देते हैं, आगे के सूत्र आगामी पाठ में पढ़ेंगे। इति ओम शम।